सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के प्रेस एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे हमने अपने डिफेंस अपडेट में भी कवर किया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन आर्मी पूर्वी लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर तैनात अपने सोल्जर्स के लिए हाईली मोबाइल आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स प्रोवाइड कराना चाहती है, और जिसके तहत इंडियन आर्मी 3 अलग अलग व्हीकल्स में से चुनाव करने पर विचार कर रही है, जिनमें से एक था टाटा और DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया टाटा कैस्ट्रल, दूसरा था अमेरिका का स्ट्राइकर इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, और तीसरा था हम्वी, जो कि हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल है। और इन तीनों में से टाटा कैस्ट्रल और अमेरिका के स्ट्राइकर, ये दोनों आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वाली कैटेगरी में आते हैं, और जबकि हम्वी इन दोनों से अलग है क्योंकि इसके दो अलग अलग वेरिएंट हैं। एक है अनआर्मर्ड, जो कि लाइट यूटिलिटी व्हीकल है, और जो आर्मर्ड है वो है लाइट आर्मर्ड कार। तो इसलिए इस रिपोर्ट के बाद ये कंफ्यूजन हुई थी कि ANI ने टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर के साथ हम्वी जैसे अलग कैटेगरी के व्हीकल को क्यों रखा है, और क्या ये गलती से हुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। इन सब चीजों में हमारा क्या ओपिनियन है, इसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जो कि इस लिस्ट में टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर हैं, और एक लाइट आर्मर्ड कार, जो कि इस लिस्ट में हम्वी है, इन दोनों अलग अलग कैटेगरीज में क्या फर्क है। तो जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, वो ऐसे आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स में आते हैं जिन्हें मुख्य रूप से कॉम्बैट जोन्स में इन्फेंट्री ट्रूप्स या फिर इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आर्मर्ड व्हीकल्स युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के फायर पावर से एक बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में करीब 9 से 10 इन्फेंट्री ट्रूप्स की सीटिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये व्हीकल्स इन्फेंट्री ट्रूप्स के एक पूरे स्क्वाड को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं, उन्हें आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ साथ अलग अलग तरह के हथियारों से भी लैस किया जाता है, और इसी के चलते ये व्हीकल्स युद्ध भूमि में फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आज के समय के अधिकतर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स 8x8 व्हील ड्राइव के साथ आते हैं, और जिनमें किसी नॉर्मल व्हीकल की तरह रबर के व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है व्हील्ड व्हीकल, और जिनमें मेन बैटल टैंक्स की तरह ट्रैक प्लेट इस्तेमाल की जाती है, उन्हें कहा जाता है ट्रैक व्हीकल। और वहीं इसके कंपेयर में जो लाइट आर्मर्ड कार है, वो एक लाइट वेट व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में आते हैं, और ये लाइट आर्मर्ड कार्स में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की तरह कोई ट्रैक प्लेट वाला ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि इनमें नॉर्मल व्हीकल्स की तरह ही रबर के टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के व्हीकल्स मुख्य रूप से रिकॉनसेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्म्ड एस्कॉर्ट, सर्विलियंस, पेट्रोलिंग और ऐसे ही अन्य सबऑर्डिनेटेड बैटलफील्ड टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर ट्रूप्स की जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो केवल 4 से 5 तक की होती है। और चूंकि इनके साथ भी आर्मर्ड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, लेकिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की तुलना में जिनका प्रोटेक्शन लेवल होता है वो कम होता है। और साथ ही आर्मामेंट्स के मामले में भी लाइट आर्मर्ड कार में एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की तुलना में कम और लाइट आर्मामेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और ये जनरली 4x4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ ही आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी SUV है जिसका प्रोटेक्शन लेवल किसी नॉर्मल SUV से ज्यादा है, और डिफेंसिव पर्पस के लिए इसमें कुछ हथियारों के ऑप्शन दिए गए हैं। और जो इस तरह की आर्मर्ड कार्स होती हैं, वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की तुलना में ये ज्यादा फास्ट है, इनकी मेंटेनेंस काफी आसान है, और इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम रहता है। हालांकि आर्मर्ड कार्स में भी मशीन गन्स और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कैरी किया जा सकता है, और कॉम्बैट जोन में मुख्य रूप से ये एक टैक्टिकल व्हीकल की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आप इसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की तरह एक फुल फ्लेज्ड वॉर में आगे फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि ANI के आर्टिकल में जो हम्वी का नाम दिया गया है, क्या वो गलती से है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। तो अगर आप इस आर्टिकल को शुरू में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आर्मी को चाहिए हाईली मोबाइल आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल। तो अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो यहाँ पे हम्वी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स की, और हम्वी भी एक तरीके से लाइट आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इंडियन आर्मी को पूर्वी लद्दाख में अपने ट्रूप्स के क्विक मूवमेंट के लिए चाहिए आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम्वी इस कैटेगरी में नहीं बैठता है, क्योंकि वो एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की लिस्ट में आता ही नहीं है, बल्कि वो एक लाइट आर्मर्ड कार है।
तो इसलिए यहाँ पर दो केस भी बनते हैं। पहला तो यह कि अगर आर्मी को हाईली मोबाइल आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स चाहिए तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा, या फिर दूसरा केस कि अगर आर्मी को केवल आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल चाहिए तो इन दोनों में से यानी कि टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर इनमें से कौन ज्यादा बेहतर होगा। पहले बात करते हैं हाईली मोबाइल आर्मर्ड व्हीकल्स की। तो जैसे कि हमने कहा कि आर्मर्ड कार का आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के ऊपर केवल इतना ही एडवांटेज है कि वो उनसे ज्यादा तेज स्पीड में चल सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस कम होती है और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो आर्मी को अगर जरूरत है केवल ऐसे टैक्टिकल व्हीकल की जिसका इस्तेमाल वे रिकॉनसेंस, पेट्रोलिंग और ऐसे अन्य टास्क में इस्तेमाल कर सकें जो कि थोड़ी बहुत प्रोडक्शन लेवल के साथ भी आए और उसमें थोड़े ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन्स भी इस्तेमाल किए गए हों, तो ऐसे में हम्वी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता था। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम्वी अन्य दो कॉम्पिटिटर्स यानी कि टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर की तुलना में ज्यादा एडवांटेज दे रहा होता तब हम कहते कि हम्वी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर इन दोनों को ही हम्वी अगर किसी चीज से बीट कर सकता है तो वो है या तो इसकी टॉप स्पीड या फिर इसकी लो मेंटेनेंस और प्रोडक्शन कॉस्ट। बाकी कोई ज्यादा खास एडवांटेज हम्वी इन दोनों की तुलना में आपको नहीं देता है, और स्पीड के मामले में तो टाटा कैस्ट्रल से ये कोई ज्यादा आगे भी नहीं है, क्योंकि टाटा कैस्ट्रल की रोड पर मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि हम्वी की टॉप स्पीड है 113 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं अगर बात करें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर के बीच, और इसमें हम जाएंगे टाटा कैस्ट्रल के साथ। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारत में बना स्वदेशी व्हीकल है, बल्कि टाटा कैस्ट्रल में आपको ऐसी कई सारी चीजें मिलेंगी जो स्ट्राइकर में भी नहीं है, जबकि स्ट्राइकर दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल में आता है। अगर बात आएगी स्पेसिफिकेशंस की तो टाटा कैस्ट्रल 3+9 यानी कि टोटल 12 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, और जबकि स्ट्राइकर में ये कैपेसिटी 11 पैसेंजर्स की है। टाटा कैस्ट्रल 600 हॉर्स पावर के डीजल फ्यूल्ड इंजन के साथ आता है, तो वहीं स्ट्राइकर 350 हॉर्स पावर के डीजल फ्यूल्ड इंजन के साथ। ये दोनों ही 8x8 व्हील ड्राइव व्हीकल है, लेकिन जो टाटा कैस्ट्रल है वो MPVS आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की लिस्ट में आता है, यानी कि जमीन के साथ साथ कीचड़, मिट्टी या फिर गहरे पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके रियर में ट्विन वाटर जेट्स को माउंट किया गया है, यानी कि पानी में एंटर करने से पहले इसे कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जबकि स्ट्राइकर में ये MPVS वाली कैपेबिलिटी नहीं है। रोड पर टाटा कैस्ट्रल की मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं स्ट्राइकर की मैक्सिमम स्पीड है 97 यानी कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात आएगी आर्मामेंट की तो टाटा कैस्ट्रल में है 30mm की ऑटो कैनन, 12.7mm की रिमोट वेपन स्टेशन और एक 7.62mm की कोएक्सियल मशीन गन, और साथ ही एक्सेसरीज में NBC प्रोटेक्शन सिस्टम, डे नाइट विजन, कम्युनिकेशन और GPS के साथ इनिशियल नेविगेशन सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें शामिल हैं। और जबकि स्ट्राइकर में 105mm की M68A2 गन, 40mm की MK19 ग्रेनेड लॉन्चर्स और 7.62mm की M240 मशीन गन। हालांकि टाटा कैस्ट्रल 40mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और दो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स के साथ भी आती है, जिसके चलते ये व्हीकल दुश्मन के इन्फेंट्री लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और यहाँ तक कि मेन बैटल टैंक्स का भी सामना कर सकता है। लेकिन कीमत के मामले में स्ट्राइकर टाटा कैस्ट्रल से ज्यादा महंगा है। 2012 तक स्ट्राइकर की जो पर व्हीकल प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो करीब 36 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो वहीं टाटा कैस्ट्रल के मामले में जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो ऑफिशियली सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट करीब 23 करोड़ रुपए तक होगी। बाकी टाटा कैस्ट्रल के बारे में आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आर्मी टाटा कैस्ट्रल के साथ जाती है तो इसमें आर्मी को दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज मिलती हैं, हाईली मोबाइल आर्मर्ड व्हीकल की भी और एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की भी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टाटा कैस्ट्रल पावर और मोबिलिटी का एक बैलेंस वेरिएंट है, और जो कि टाटा कैस्ट्रल पूरी तरीके से तैयार भी है और इसे टेस्ट भी किया जा चुका है, तो अभी के समय टाटा कैस्ट्रल का चुनाव करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, और जबकि इसके बाद इसके अपग्रेडेड वेरिएंट पर भी काम किया जा सकता है। बाकी इन सबको लेकर आपको क्या सोचना है उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।